गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास प्लस वन स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर फाइव था हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। स्टार्ट था एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट हो गई थी, आज एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करते हैं। उससे पहले एक्सरसाइज 5.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट देखते हैं। देखो बच्चों, आर्गन प्लेन एंड ए पोलर रिप्रेजेंटेशन, टॉपिक का नाम है आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन। आर्गन प्लेन एंड पोलर रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। वी ऑलरेडी नाउ कि हम पहले से जानते हैं कोरस्पॉन्डिंग टू द ईच ऑफ ऑर्डर पेयर, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस, ओरिजिनल लाइन को हम एक्स एक्सिस बोलते थे, वो वर्टिकल लाइन को वाई एक्सिस पहले से हम कर चुके हैं। कोई पॉइंट हमने डिनोट किया जैसे ए बी, तो ए हमारा अवशिषा था, बी हमारा ऑर्डिनेट था, ये हम पहले ही कर चुके हैं। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, अब क्या कहेंगे, एक्स वाई प्लेन, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, ओके। जब हम एक्स एक्सिस को रियल लाइन लेके चले, एक्स एक्सिस ये रियल लाइन है और ये इमेजिनरी है, तो कोई भी वैल्यू होगी, जैसे आपको 1 प्लस आयटा डिनोट करना है तो एक्स एक्सिस की वैल्यू 1 और वाई एक्सिस पे आयटा आई, तो ये पॉइंट हो जाएगा 1 आयटा 1 आई। तो ये जो लाइन है आपकी, ये ग्राफ है, तो इसको लिखोगे 1 प्लस आई, क्या डिनोट करोगे इसको, 1 प्लस आई, ओके। यहाँ पर जैसे 1 ही 1 1 है ये पॉइंट, तो पॉइंट क्या हुआ आपका 1 1 है, तो आई कितना है गया है 1 से 1, ए ओ ए, तो ओ ए की जो आपकी डायरेक्शन हुई है वो क्या है 1 प्लस आई। इसी से हम वेक्टर चैप्टर सॉल्व करेंगे, ओके बच्चों। ये आपका आर्गन प्लेन है, जैसे कोई पॉइंट है, एक पॉइंट लिया हमने, यहां पर कोई पी पॉइंट है, कोई पी पॉइंट को मान लिया मैंने एक्स वाई, तो OP क्या हुआ आपका x प्लस आई वाई, एक्स प्लस आई वाई, तो ये आपका जो OP है उसको z के इक्वल हमने मान लिया है। तो आपका OP डिस्टेंस निकालना होगा, OP डिस्टेंस उसको मॉडुलस बोलते हैं, OP डिस्टेंस को क्या बोलेंगे मॉडुलस, तो OP डिस्टेंस रूट क्या होगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैसे आया सोल्व कर लो। OP A है ये, अब O पॉइंट क्या है 0 0, बाय डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 माइनस x1 स्क्वायर, तो x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर, यहां क्या मिल जाएगा आपको x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस, ठीक है, ओके बच्चों। नेक्स्ट है आपका कॉन्जुगेट, कॉन्जुगेट क्या होता है, कॉन्जुगेट जैसे कॉन्जुगेट जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी कॉन्जुगेट, तो जेड कॉन्जुगेट जो ये ऊपर बार लगा देते हैं इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, ए प्लस आई बी कॉन्जुगेट, तो यहाँ क्या हो जाएगा, रियल पार्ट जो होगा उसका कोई साइन चेंज नहीं होगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज हो जाएगा, तो इमेजिनरी पार्ट जैसे पॉजिटिव था तो आपका क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेट, क्या बोलते हैं
कंजुगेट ए प्लस आई बी का कंजुगेट ए माइनस आई बी हो जाएगा। कंजुगेट का रिप्रेजेंटेशन करोगे जब भी, जैसे एक्स प्लस आई वाई है, जब इसका एक्स माइनस आई वाई करोगे तो सेम यहाँ पर मान रही है आपका, तो ये जो पी डैश बोल रहे हैं इसको, ये पॉइंट क्या हो जाए एक्स माइनस वाई, एक्स माइनस वाई, तो ये हो जाएगा आपका, तो ये जब कंजुगेट क्या हो जाएगा एक्स माइनस आई वाई। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, एक्स माइनस आई वाई, खड़ा हो बेटा खड़ा, ये कंजुगेट हो गया आपका एक्स माइनस आई वाई। नेक्स्ट देखिए बच्चों, ये हो जाएगा कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट। नेक्स्ट है पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे। टॉपिक का नाम है पोलर रिप्रेजेंटेशन, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, पोलर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम क्या करने वाले थे, ये कोई एक्स वाई प्लेन है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जीरो जीरो, पी पॉइंट ए बी, जो ये आपका ओ पी, पी पॉइंट है ए बी, जो ये ए और बी, ये कौन क्या होगी ए प्लस आइटा बी, इसने एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाया थीटा, यहां मान लेते हैं हम ए पॉइंट। तो ओ ए पी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ध्यान दें। तो ओ ए डिस्टेंस क्या हुई आपकी, ओ ए डिस्टेंस ए हो गई, ओ बी ओ पी ए पी ए डिस्टेंस क्या हो गई बी हो गई। तो आपको जेड इज इक्वल टू पोलर रिप्रेजेंटेशन करना है, तो आपकी फॉर्म क्या है, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आइटा बी है, अंडरस्टैंड। तो ट्रायंगल में ओपी जो आपका टेंजेंट बना हुआ है, जो एंगल बना हुआ है थीटा डिग्री का है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं साइन थीटा क्या करते हैं, देखिए स्टूडेंट साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस है ना, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई ओपी, पी बाई ओपी बी बाई ओपी सॉरी बी बाई ओपी, यहाँ ओपी डिस्टेंस क्या है, ओपी डिस्टेंस मॉडुलस इसको वन मान लेते हैं क्योंकि यूनिट सर्कल लेके हम चलते हैं, तो बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन थीटा, या फिर ओपी डिस्टेंस को मैं मान लेता हूँ आर, ओपी डिस्टेंस को क्या मान लिया आर, तो ये क्या हो जाएगा आर, तो ये क्या हो जाएगा बी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। सेम हियर, अब क्या निकाले कोस थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस ए अपॉन आर, तो ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आर कोस थीटा। तो पोलर रिप्रेजेंटेशन फॉर्म क्या हो जाएगी, जेड इज इक्वल टू ए की जगह आर कोस थीटा प्लस आई, बी की जगह आर साइन थीटा, तो पोलर फॉर्म क्या होगी आर इंटू कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ये आपकी पोलर फॉर्म हो जाएगी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, यहाँ आर इज इक्वल टू क्या है, आर इक्वल टू मोड जेड मीन्स कॉन्जुगेट ऑफ जेड, ये वैल्यू ठीक है। थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा इज आर्गुमेंट, आर्गुमेंट थीटा को आप क्या लिखोगे बोलोगे आर्गुमेंट, प्रिंसिपल आर्गुमेंट भी बोल सकते हो, कोई प्रिंसिपल आर्गुमेंट होगा जो क्या होगा जीरो टू टू पाई के बीच में जो वैल्यू होंगी उसको बोलते हैं प्रिंसिपल आर्गुमेंट, क्या बोलते हो बच्चों प्रिंसिपल आर्गुमेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है
चलो एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 5.2 फर्स्ट चल क्या कहता है, फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ऑफ ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जेड इज इक्वल टू क्या आपका 1 - 1 - i√3। इसलिए क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है। सबसे पहले मोड जेड फॉर्मूला क्या था, जेड इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। तो मोड जेड कैसे निकालते थे, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा, रूट ऑफ -1 स्क्वायर - √3 स्क्वायर। यहां से वैल्यू क्या मिलेगी हमें, 1 + 3 = 4। 4 किसका होता है, 2 का रूट। तो मॉडुलस क्या मिल गया आपको, 2। अब आर्गुमेंट निकालना है, तो रूल क्या होता है आर्गुमेंट निकालने का, ध्यान दें। देखो अभी हमने क्या किया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या था, ये थीटा, जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई भी, ये आर के इक्वल माना था हमने डिस्टेंस, मोड जेड को, मोड जेड को किसके इक्वल माना है, आर के इक्वल। ये आपकी क्या है, बी है, और इसको हमने ए, तो ये ए बी। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, तो जब भी आर्गुमेंट निकालना है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस बी बाई ए, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए हो जाएगी। ये आपका आर्गुमेंट निकालने का, थीटा निकालने का रूल है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स बी बाई ए। तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी है, तो इमेजिनरी पार्ट डिवाइड बाई रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करोगे तो आपका आर्गुमेंट आ जाएगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से डिवाइड करोगे तो आपका आर्गुमेंट आ जाएगा। अब ध्यान दें, याद रखना, जब आपके पास ए और बी, तो जेड इज इक्वल टू ए प्लस आई बी हो, तो एंगल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, तो थीटा इज पॉजिटिव एंड अक्यूट एंगल। थीटा क्या होगा, 0 और 90 डिग्री के बीच में होगा। जब एंगल एंगल आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट के बीच में होगा, तो 0 और π/2 के बीच में रहेगा। जब एंगल आपका फॉर्म रही आपकी कि जेड इज इक्वल टू -a + ib - a + ib, तो आपका एंगल रहेगा ये, यहां से यहां तक, तो ठीक है, ये एंगल बना था, ये एंगल बन जाएगा, तो एंगल रहेगा आपका 90 डिग्री से अप हो जाएगा और 180 से लेस रहेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, जब एंगल आपका यहां होगा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, तो 90 अप 180 लेस। जब एंगल आपका इसके ऊपर होगा, एक्स एक्सिस के ऊपर, तो एंगल रहेगा 0 डिग्री, और माइनस इस दिस साइड होगा, तो -a + 0i होगा, तो आपका एंगल क्या रहेगा, पाई। जब एंगल आपका रहेगा इस क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर रहेगा, तो फॉर्म किस टाइप की फॉर्म मिलेगी आपको, a - ib, तो आपका एंगल रहेगा -90 डिग्री - 0 डिग्री। जब आपका एंगल जेड इज इक्वल टू -a - ib फॉर्म का रहेगा, तो एंगल आपका क्या रहेगा, थीटा इज इक्वल टू -90 और -180 के बीच में रहेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट, ये है एंगल रिप्रेजेंटेशन, -90 और -180 के बीच में रहेगा, कर सकते हो। देखा गया, तो आपका एंगल मैंने बताया, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स -√3 / -1। थीटा वैल्यू क्या हो जाएगी, क्योंकि दोनों नेगेटिव थे, मैंने आपको कहा है -90 और 180 के बीच में, तो -π में प्लस है टेन इनवर्स रूट थ्री, तो -π + 10√3 की वैल्यू π/3 होती है, सॉरी। तो सॉल्व करोगे इसको, ये क्या हो जाएगा, -2π/3, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी, प्रिंसिपल वैल्यू। ओके बच्चों, आज हम इतना ही करते हैं, कल इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, गुड डे, हैव अ नाइस डे।